हाय बच्चों, सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का विषय है संज्ञा यानी विशेष। अंग्रेजी में जिसे नाउन कहा जाता है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन किसी एक नाम को बताता है। देखो पिला मने, आज विषय हला संज्ञा बा विशेष। इंग्रजी ताको नाउन बोली कहती। नाउन टा हूँ गोटे नेमिंग वर्ड, जेकोणसी नाम को बुझौथिबा शब्द ही संज्ञा बा विशेष। संसार रे आमे जत्ते जिनिस को देखि पारु आम आखिरे, जेउ जिनिसर नामकरण होइ परे, जा को किछि नाम रे डका जाइ परे, से सबु हला नाउन बा विशेष। स्क्रीन पर लिखे हुए वाक्यों को ध्यान से देखो। मोहन पढ़ता है, गाय चरती है, रोशन दूध पीता है, गोपाल कक्षा में है, कमला प्रार्थना करती है। देखो पहले वाक्य में मोहन एक बालक का नाम है। बालक यानी एक व्यक्ति। गाय चरती है। दूसरे वाक्य में गाय एक जाति विशेष का नाम है। गाय शब्द से किसी एक जाति का बोध होता है। तीसरे वाक्य में रोशन दूध पीता है। दूध एक द्रव्य यानी वस्तु का नाम है। चौथे वाक्य में गोपाल कक्षा में है। कक्षा शब्द से एक समूह का नाम बोध होता है। समूह का नाम बोध होता है। पांचवे वाक्य में कमला प्रार्थना करती है। प्रार्थना एक भाव विशेष का नाम है। मोहन, गाय, दूध, कक्षा, प्रार्थना, ये जितने भी शब्द हैं ये कोई ना कोई नाम बताते हैं। यही जे शब्द गुड़ी को गला छुआ मैने पिला मैने मोहन, गाय, दूध, कक्षा, प्रार्थना, एम सब गोटे ना गोटे गोटे ना गोटे नाम को बुझाती। तेणु एगुड़ा सब है संज्ञा बोली आमे आकु कहु। उड़िया रे जहाँ को विशेष कहती, इंग्राजी जहाँ को नाउन बोली कहा जाए। तो संज्ञार डेफिनेशन आमे देले हब, जो शब्द किसी व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह या भाव का बोध कराता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, द्रव्य, समूह का नाम को बताता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा के पांच भेद होते हैं। एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहते हैं। केवल एक ही व्यक्ति, प्राणी या स्थान का नाम बताने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो पिला मने, कौन सी निर्दिष्ट व्यक्ति रो नाम, तो राम, हरि, श्याम, कौन सी निर्दिष्ट व्यक्ति रो नाम, कौन सी निर्दिष्ट प्राणी रो नाम। निर्दिष्ट प्राणी मैंने तुम भावनी घोड़ा, घोड़ा नुहे व्यक्तिवाचक संज्ञा नुहे। घोड़ा कहला मैंने घोड़ा जाति को बुझाऊ, कितु चेतक कहला मैंने गोटे घोड़ार नाम, बौला कहला मैंने गोटे गाईर नाम। गाईटा है जातिवाचक, कितु बौला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी गाँवर नाम, कि सहर नाम, कि देशर नाम, कि नदीर नाम, कि हरदर नाम, कि पुस्तकर नाम, एगुड़ा सब व्यक्तिवाचक संज्ञा भितर जीव। स्क्रीन लिखि दी देख छुआ व्यक्तियों के नाम, कमला हब, सुनीता हब, रहीम हब, जान हब, एटा व्यक्ति मानकर नाम। सेपरि प्राणी मानकर नाम, एट जो लेखाई हीरामन, हीरामन कहला मैंने गोटे तोतार नाम, चेतक कहला मैंने गोटे घोड़ार नाम। घोड़ाटा हूँ जातिवाचक हो, कि चेतक हूँ व्यक्तिवाचक। ऐरावत, हाथीर ना हूँ ऐरावत, तेणु ऐरावत है व्यक्तिवाचक, हाथी है गने जातिवाचक हो। कपिला गाय का नाम, मने गाय है जातिवाचक संज्ञा, किंतु कपिला है गला मने ता ना हूँ व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक उसी प्रकार देखो गाँव, शहर, देश के नाम। रामपुर,
किसी एक गांव का नाम है रामपुर, कटक एक शहर का नाम है, भारत एक देश का नाम है, अमेरिका एक देश का नाम है, ईरान एक देश का नाम है। देश ये जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन भारत एक देश का नाम, हमारे देश का नाम भारत है, भारत ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक उसी प्रकार नदी पहाड़ झील के नाम, महानदी एक नदी का नाम, गंगा एक नदी का नाम, हिमालय एक पर्वत का नाम, गंधवर्धन एक पहाड़ का नाम, चिलिका एक झील का नाम, एक ह्रद ह्रदर नाम। जेटा देख पिला माने ए महानदी को छ गुटे नदी रो नाम, एटा ला व्यक्तिवाचक, किंतु नदी होच जातिवाचक। हिमालय कला माने गुटे पर्वतर नाम, ये हिमालय हला होच व्यक्तिवाचक, किंतु पर्वतटा हिजो जातिवाचक। ठीक उसी प्रकार पुस्तकों के नाम, गीता कुरान बाइबल कामायनी रामचरितमानस, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। आओ नेक्स्ट देखते हैं जातिवाचक संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में कॉमन नाउन कहा जाता है। तो कॉमन नाउन हम किससे कहते हैं, न जिस शब्द से किसी निर्दिष्ट जाति की सूचना मिलती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जेऊ शब्द द्वारा कौनसी निर्दिष्ट जातिर सूचना मिले ताकु आमे जातिवाचक संज्ञा बोली कहू। एटी पिला माने तुमको गोटे कथा कही दउची, मन रख, संसारर जे जिनिसटा सृष्टि हेची प्रथमे जातिरु सृष्टि हला, जातिवाचक संज्ञा प्रथमे जातिवाचक संज्ञा, ता परे होची व्यक्तिवाचक संज्ञा। किमिति आगे बुझ, मनकर गोटे पिलाटिए जन्म हला, पिलाटिए जन्म हला, आगे जानलो पिला, पिला भी जातिवाचक संज्ञा, से पिलाटा पुओ ना झियो, पुओ हेने भी जातिवाचक संज्ञा, झियो हेने भी जातिवाचक संज्ञा। तापर तार नामकरण करा जाए, पुओ हितने राम दिगला से राम हला व्यक्तिवाचक संज्ञा, झियो हितने सीता दिगला से सीता हला व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण देख, मनुष्य, मनुष्य भी जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्य के अंदर भी जो अवस्था है ये सब भी जातिवाचक संज्ञा है। जिस प्रकार पुरुष जातिवाचक, स्त्री, लड़का लड़की, बच्चा शिशु, ये सब जातिवाचक का उदाहरण है। ठीक उसी प्रकार प्राणी, जो पशु, पशु जातिवाचक है, घोड़ा भी एक पशु है, घोड़ा भी एक पशु है, घोड़ा भी जातिवाचक है। मछली, सांप, कौवा, बाघ, मक्खी, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। ठीक उसी प्रकार वस्तु, घर जातिवाचक, कुर्सी जातिवाचक, दरवाजा जातिवाचक, वाजा जातिवाचक, कलम जातिवाचक, पहाड़ नदी ये सब जातिवाचक। देख नदी कहला जातिवाचक हला, किंतु महानदी कहला, गंगा नदी कहला को एमाने गले व्यक्तिवाचक। कुर्सी जो लेखाई, कुर्सी माने चेयर आम जेटा कहे, कुर्सी हूँ जातिवाचक संज्ञा, कारण केते प्रकार रो कुर्सी रही, से काठर कुर्सी रही, लुहार कुर्सी रही, चेयर रही, प्लास्टिक कुर्सी रही, एगुटा गोटे गोटे जातिवाचक संज्ञा। ठीक उसी प्रकार पद या पदवी, शिक्षक, शिक्षक शब्द से हमें किसी एक शिक्षक का पता नहीं चलता, समग्र शिक्षक जाति का पता चलता है, इसलिए ये भी जातिवाचक है। शिक्षक जातिवाचक, डॉक्टर जातिवाचक, नर्स जातिवाचक, अध्यापक, इंजीनियर, मंत्री, कवि, ये सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, अंग्रेजी में जिससे कहा जाता है मेटेरियल नाउन। द्रव्य या पदार्थ का नाम बताने वाले शब्द को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जेटा गोटे द्रव्य या पदार्थर नाम को बुझाऊ सेटा हला द्रव्यवाचक संज्ञा। ता विषय डिटेल कहीदेमी मु। देख ये द्रव्यवाचक संज्ञा, मेटेरियल नाउन, एगुड़ा सब अनकाउंटेबल नाउन माने अगणनीय होती है। तुम बही रे भी लिखी दे, अगणनीय होती है, एगुड़ा गणी हुए नी, गणा जाई परिबो नाही, ताकु मापा जाए, मपा जाए किंबा मपा जीव किंबा ओजन करके तार जणा जाए केते ओजन रहला। उदाहरण देख, धातु सोना, सोनाटा को ओजन करा जाई परिबो, ताकु गणी हेबनी, गोटे दीटा तीनटा सोना कही हेबनी। पीतल, तांवा, चांदी, लोहा, स्टील, पीतल, तांवा, चांदी, चांदी रूपा जटा सेरक द्रव पदार्थ, जेरक तेल हला, दूध, पानी, शहद, घी,
तेल एगुड़ा सब जे द्रव्यवाचक पदार्थ तेल रु ये कथ बुझ जो जिनस टिके ने तार टुकड़े ने गोटे बुंदा ने जिनस कह से हूँ द्रव्यवाचक तेल रु ठुपे ने भी तेल क्षीर रु ठुपे ने भी क्षीर तार ना कह पानी टुके अल्प ने पा कहद मान महु महुरु टिके ने महु कहगुटा है द्रव्यवाचक संज्ञा द्रव्य है आटा अटा अटा को गणा जा पारे टिके ने भी अटा बोली कह से जिनस हुए जो थी जिनस हुए अटारु रुटी या पिठा तैयारी हुए जहाँ सब हुए से गुड़ा है सब द्रव्यवाचक संज्ञा लकड़ी काठ काठ रु चेयर ताए काठ रु खट तैयारी हुए घास दाल अन्न युवा सब है द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखते हैं समूह वाचक संज्ञा। अंग्रेजी में जिसे कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन प्राणियों या वस्तुओं के समूह को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। प्राणी बा वस्तु मानकर समाहार को कहा जाए समूहवाचक संज्ञा। देख पिला माने एटी बुझिबा पई चेष्टा करिवो मु कहिनी राम एडा व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम किए ना जने छात्र ये जातिवाचक संज्ञा हो गला। से छात्र 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 मानकर समाहार रे गोटे कक्षा आ गला गोटे क्लास गोटे श्रेणी होगा सेटा है समूहवाचक संज्ञा। तो विद्यालय रे तुम देखु थो पुस्तकालय थो पाठागार थो छात्र मानकर कमिटी थो एगुड़ा तुम सब देखु दल थो तुम टीम थो एगुड़ा सब समूहवाचक संज्ञार उदाहरण समूहवाचक विशेष पदर उदाहरण। देख प्राणियों का समूह दल मंडली परिवार। परिवार में पिता माता भाई बहन सब मिलजुल कर रहते हैं ये एक समूहवाचक संज्ञा है। सेना भीड़ कक्षा उसी प्रकार वस्तुओं का समूह गुच्छा झुंड श्रृंखला ढेर पुंज टोली ये सब समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं भाववाचक संज्ञा जेटा को इंग्रेजी में कहा जाए छुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अंग्रेजी में कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा इस शब्द से हमें पता चलता है भाव भाव से भावना चाह भावना भावनाटा जो कैंतु आसे मनर आसे मान जिन वस्तुओं को हम छू नहीं सकते देख नहीं सकते सिर्फ अनुभव ही कर सकते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये जो भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन गुड़ा अच्छी छुआ एगुड़ा भी सब जे अनकाउंटेबल नाउन रिव देख एगुड़ा को देखी हुए नी छुई हुए नी केवल अनुभव करी हुए। देख तार लेखाई तुम डेफिनेशन बहुत दी धर्म गुण अवस्था क्रिया व्यापार और क्रियार्थक संज्ञा का नाम बताने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सेटा को बुझ गोटे गोटे धर्म धर्म प्रत्येक जिनस गोटे गोटे धर्म रही धर महु सहद आमे कहचे सहद तार धर्म कौन ना मधुरता मीठा लगे से मिठास बा मधुरता हूँ तार धर्म। गर्मी तार आग निया निर तार धर्म है गरम प्रदान कर शीतलता प्रदान कर जल जल का तार धर्म है शीतलता प्रदान कर एगुड़ा धर्म गर्मी शीतलता मधुरता ये सब भाववाचक संज्ञा। ठीक उसी प्रकार गुण धैर्य क्रोध बुद्धिमानी ईमानदारी सच्चाई प्रेम एगुड़ा गुण विषय आसला अवस्था विषय आसव दे पीड़ा नींद दरिद्रता तार अवस्था खराब दरिद्र उजाला अंधकार बचपन बुढ़ापा एगुड़ा सब हूँ बुढ़ारू बुढ़ापा है बच्चारू बचपन है। अरे बूढ़ा व्यक्ति को तुम देखी पारिव लेकिन बुढ़ापा को तुम देख नहीं सकते बचपन बच्चा को तुम देख सकते हैं लेकिन बचपन बाल्यावस्था को तुम देखी पारिवनि सेरको उजाला उजाला को तुम देखी पारिवन आलोक को देखी हुए ना देखी हुए ना आलोक कौन सी वस्तु उपर पड़े आम देख वस्तुटी को से जिनटी को देखी पार कि आलोक को देखी हुए नी अंधकार को देखी हुए नी एगुड़ा सब भाववाचक उदाहरण। तापर क्रिया व्यापार है क्रिया रु आर प्रार्थना प्रार्थना करवा सेटा हूँ क्रिया भार बेला से प्रार्थना करू प्रार्थना कौन करुच्ची ना मु प्रार्थना करूँ प्रार्थनाटा होगला नाउन भाववाचक संज्ञा। भजन दान
बहब दौड़ लिखावट चाल लिखनारु लिखावट है चलनारु चाल है। तापर आसला क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा पिला माने एगुड़ा हूँ भार्बटा जेरको इंग्राजी एगुड़ा को जेरंड बोली कहा जाए। भार्ब रे आईएनजी जोग हो गले ता जदि नाउन रो कार्य करे गोटे संज्ञान कार्य करे ताकु कहंती आमे जेरंड बा सेई गुड़ा को कहा जाए क्रियार्थक संज्ञा बोली कहा जाए। भार्बल नाउन भी कहा जाए जेरंड भी से गुड़ा को आमे कहा जाए हला। अच्छा संज्ञार्थक क्रिया हिंदी भी कहती संज्ञार्थक क्रिया धारा टहलना टहलना आना पढ़ना रोना देखना हंसना एगुड़ा क्रियारक जना पड़े जो क्रियार काम करू क्रिया सृष्टि मान क्रियार काम करू किंतु एगुड़ा सब गोटे गोटे संज्ञा पद एटा नाउन हो गला। धर गोटे उदाहरण मुझे कहूँ देख इंग्राजी बुझे दूचे धर स्विम स्विम मान पहरिया भार्ब है एट क्रियापद है स्विमिंगटा को आम नाउन आकार व्यवहार करवा मुझे धर स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज तैरना एक अच्छा व्यायाम है एर कहला मान से कौन है जो नाउन रो कार्य कला संज्ञार कार्य कला। देख पिला माने भाववाचक संज्ञा विषय कहुच स्वतंत्र वीडियो गोटे तैयारी हम गोटे आगुरी हिंदी ताको तैयारी कर हिंदी भाषा कहुच्छे ओडिया कह जाए ना तुम आउ गोटे भाववाचक संज्ञा और हिंदी ओडिया मिसामिशी करदे तुम बुझाप सब छुआ बुझाप आटा परवर्त भिडटे भाववाचक संज्ञाटा को देख आज एति हाँ गोटे कथा मन रखिब जदि वीडियो भल लगे ताको शेयर करिब लाइक करिब सब्सक्राइब करिब जे माने करिना सब्सक्राइब। धन्यवाद।